हेलो एवरीवन, आज जो ITJM एग्ज़ाम 2020 का जो रिस्पॉन्स आया है उसके आज हम आंसर की बता रहे हैं। तो आप स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले द फिगर बिलो शो जो क्यूबिक यूनिट सेल विथ लेटेस्ट कॉन्स्टेंट है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 210, दैट इज ए। ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन 210। द बूलियन फंक्शन पी क्यू बार, पी बार प्लस क्यू, क्यू प्लस क्यू बार, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पी बार, दैट इज बी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज ए डिसकॉन्टिन्यूटी इन द सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स इज ए रियल नंबर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्स मोड ऑफ एक्स, दैट इज बी, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। कंसिडर द मोशन ऑफ द क्वांटम पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम एनर्जी ई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेप पोटेंशियल, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सी हो जाएगा, ई इक्वल टू हाफ वी नॉट आर इक्वल टू वन। थ्री पॉइंट चार्जेज ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 3/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल। टू स्टेशनरी पॉइंट पार्टिकल विथ इक्वल एंड अपोजिट एट द सम फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए प्लेन, दैट इज बी। फॉर ए सिस्टम अंडरगोइंग ए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एट ए टेम्परेचर टी सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर टी, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, डी हो जाएगा। ए कॉलिमेटेड बीम ऑफ लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 514 नैनोमीटर इज नॉर्मली इंसिडेंट, राइट ऑप्शन हो जाएगा 3.6, 3.6। इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इमिटिंग फोटोन विथ एनर्जी, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम, बी ऑप्शन हो जाएगा। फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए सेंटर पोटेंशियल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए प्लेन ड्यू टू ए कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। कंसिडर ए वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ ए कंटेन्स फाइव नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ मास स्मॉल एम एट टेम्परेचर टी इक्वल टू जीरो केल्विन, राइट ऑप्शन हो जाएगा 10π² एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma² बी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट ऑप्शन हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस म्यू इज ग्रेटर देन KBT, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। फॉर एन अनबायस्ड सिलिकन NPN ट्रांजिस्टर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बैंड डायग्राम इज करेक्ट, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ए शॉर्ट रोड ऑफ लेंथ एल नेग्लिजिबल डायमीटर लाइज अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर एट ए डिस्टेंस 3 मीटर, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, L' अपॉन L इक्वल टू 1/4। इन द सर्किट बोथ ऑफ एम आर आइडियल द आउटपुट ऑफ द सर्किट वी आउट टो, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 20V1 माइनस 10V2। ए व्हील इज रोटेटिंग एट ए फ्रीक्वेंसी एफ नॉट हर्ट्ज अबाउट ए फिक्स वर्टिकल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एफ नॉट टी नॉट डिवाइडेड बाई 2। द नॉर्मलाइज ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ वन डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर विथ फोर्स कॉन्स्टेंट के, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2/√π 1 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 500 केल्विन VH एंड हीलियम एटम 2000 केल्विन VHE आर रिलेटेड एज, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, VH इक्वल टू V हीलियम। द वॉल्यूम इंटीग्रल ई की पावर माइनस आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर डाइवर्जेंस ऑफ आर के अपॉन आर स्क्वायर डी क्यूब आर, राइट ऑप्शन हो जाएगा 4π, 4π दैट इज ए। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेज एम एंड 2m आर मूविंग एट स्पीड वी एंड वी बाई 2, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 120 डिग्री, 120 दैट इज बी, बी ऑप्शन हो जाएगा। कंसिडर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर वेन ब्लॉक एंड ब्लैक एंड ग्रे स्पीयर्स रिप्रेजेंट, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, FCC स्ट्रक्चर, दैट इज बी। ए लीनियर ऑपरेटर ओके एफ एक्ट ऑन ए टू ऑर्थोनॉर्मल स्टेट ऑफ साई वन एंड साई टू, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1/√2 1 माइनस आइटा अंडू 2 माइनस 1।
A beam of unpolarized light of intensity I naught falls on a system of four identical linear polarizer placed in a line. Right option हो जाएगा D 27/128. Two planet P1 and P2 having masses m1 and m2 revolve around the sun in elliptical orbit. Right option हो जाएगा 3/2 √3/2, that is C 3/2 √3/2. Consider n classical particle at temperature T, each of which can have two possible energies, zero and epsilon. तो n नॉट अपॉन की पावर e अपॉन के बी टी. ए थिन कंडक्टिंग स्क्वेयर लूप ऑफ साइड l इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट क्वांटम ऑफ एक्स वाई प्लेन विद वन ऑफ द वर्टिसेस एट द ओरिजन. राइट ऑप्शन हो जाएगा d, दैट इज बीटा नॉट l4. द इंटेंसिटी ऑफ द प्राइमरी मैक्सिमम टू स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न इज गिवन बाई आई टू एंड द इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी मैक्सिमम थ्री स्लिट एक्सपर इंटर आई थ्री. राइट ऑप्शन हो जाएगा आई टू इक्वल टू 4/9 I3. कंसिडर एन्युलर रीजन इन फ्री स्पेस कंटेनिंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन. इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा. सेक्शन बी देखिए, फोर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ई एंड बी ड्यू टू चार्ज डेंसिटी रो इज अ फंक्शन ऑफ आर टी करंट डेंसिटी. तो अब इसके बी और डी ऑप्शन राइट होंगे. बी एंड डी, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो, एफ इक्वल टू क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी. वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग स्पेसिफिक हीट ऑफ रेशियो गामा इक्वल टू 1.6. राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी, सी वी इक्वल टू 2.08 और सी पी 48 सी वी. कंसिडर ए वेक्टर फंक्शन यू आर एंड टू स्केलर फंक्शन. राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बी एंड डी, ए बी और डी, ए बी और डी. राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी, ए बी और डी. थ्री सिनुसोइडल वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवल विद ए सेम स्पीड. राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी, ए एंड बी. एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी, ए एंड सी. फिगर शोज ए सर्किट डायग्राम बुलियन एंड लॉजिक गेट्स. इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी फोर्थ. द एंड गेट इज ए एक्ट लाइक एन ओर गेट. स्फेरिकल डायलेक्ट्रिक सेल विथ इनर रेडियस स्मॉल. इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन. टू रिलेटिविस्टिक पार्टिकल विथ अपोजिट वेलोसिटीज कोलाइड हेड ऑन. इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी, ए एंड बी. टोटल एनर्जी टोटल मोमेंटम. पी एंड क्यू आर हर्मिशियन मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी. ए थिन रोड ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड लेंथ 2√3 meter इज अंडरगोइंग स्मॉल ऑसिलेशन. राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड डी, ए और डी दोनों हो जाएंगे. सेक्शन सी द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फंक्शन यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई 2yik. इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 12. द फिगर शोज ए सर्किट कंटेनिंग टू डायोड्स डी वन एंड डी टू. राइट ऑप्शन हो जाएगा 97 माइक्रो एम्पियर. एन आइडियल गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन अलोंग ए पाथ. भी राइट ऑप्शन हो जाएगा 6. कंसिडर ए रिटार्डर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेज एन ई एन नॉट इक्वल टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ऑप्शन हो जाएगा 33.33. कंसिडर ए थिन बायोकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. राइट ऑप्शन ए सॉलिड विद एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज प्रॉब्ड यूजिंग एक्सरेज 0.56. वाटर फ्लोज इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप इन ए स्ट्रीम लाइन मैनर. राइट ऑप्शन हो जाएगा 25.2. कंसिडर टू स्पेरिकल परफेक्ट बॉडीज विथ रेडियस आर वन. राइट ऑप्शन हो जाएगा 4. इन ए कॉन्ट्रास्ट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज इज 0.50 angstrom 0.548. यूजिंग ए बैटरी ऑफ 10 pF कैपेसिटी ऑफ चार्ज 250 volt एंड द बैटरी इज रिमूव. राइट ऑप्शन हो जाएगा 15. ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का y" (y"+(5y)+(6y)=0. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.61. द मैग्नेटिक फील्ड इन ए टेस्ला इन द टू रीजन सेपरेटेड बाई z = 0 plane. राइट ऑप्शन हो जाएगा 2.87. फोर ए सी सर्किट शोन इन द फिगर. राइट ऑप्शन हो जाएगा 79.61. टू ट्रांसवर्स वेव्स y1 एंड y2 ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रिंग. ये देखना पड़ेगा. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू ओरिजन वेरीज विद टाइम t. ये आपका 2 सेकेंड. राइट ऑप्शन इन द
ट्रांजिस्टर सर्किट गिवन इन द फिगर द इमीटर बेस जंक्शन हैज ए वोल्टेज ड्रॉप 0.7 द राइट ऑप्शन हो जाएगा 865 वन मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर पी वॉल्यूम वी टेम्परेचर टी इज एक्सपेंडेड एज 5.88 द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई 40K डिकेज टू 40 आर्गन विद ए हाफ लाइफ राइट ऑप्शन हो जाएगा 3.64 ईयर्स ए बॉडी एट ए टेम्परेचर टी इज ब्रॉट इन टू ए कॉन्टैक्ट विद रिसीवर एट 0.193 राइट ऑप्शन ए व्हीकल ऑफ मास 600 kg विथ ए इंजन ऑपरेटिंग एट ए राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.5। अब देखिए इसके अंदर आप अच्छे से देख सकते हो एक साथ लिख दिया है सबके आंसर। इस आंसर के में सबके एक साथ आंसर लिख दिए हैं तो आप यहां से भी देख सकते हो ये सेक्शन सी के हैं। हिंट आपको आगे दे दिए गए हैं सॉलिड विद एफसीसी वाटर फ्लो कंसीडर टू स्फेरिकल इन ए काउंटेंस स्कैटरिंग यूजिंग ए बैटरी। तो इस तरीके से ये आपकी आंसर की थी। आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आप अपने मार्क्स को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, इससे अपने को IIT JEE की कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा। थैंक यू।